आपको एक और फिल्म जैसे कि जो लिट्टी चोखा फिल्म बनी थी उसी बैनर के साथ आप आस्की कर रहे हैं, इसके बाद एक और सुनने में आया कि एक और फिल्म कर रहे हैं सबका बाप अंगूठा छाप, ये कंटिन्यू आप एक ही बैनर की फिल्में कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए दिल से आभार हूँ कि सर ने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया, जिनका नाम है प्रदीप के शर्मा। और बाबा मोशन पिक्चर्स एक ऐसा बैनर है जो कि हर एक आर्टिस्ट को, जितने भी स्ट्रगलर हैं, जितने भी जिनके अंदर हुनर है, सबको एक चांस देती है, तो मुझे भी मिला। एंड अनीता मैम जो कि बहुत कॉपरेट करती हैं, इवन पराग पाटिल जी और बाकी जितने भी मेरे फैमिली व्यूज जितने भी लोग हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लिट्टी चोखा करने के बाद अब आशिकी कर रही हूँ, जिसमें खेसारी जी हैं, आम्रपाली जी हैं, मैम हूँ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। और आगे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं उनमें से एक और है जिसका नाम है सबका बाप अंगूठा छाप, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। तो लिट्टी चोखा में आपने लिट्टी चोखा बनाया है, तो लिट्टी चोखा बनाने के बाद आप आस्की करने लगी हैं? लिट्टी चोखा बनाया और खाया भी, और आशिकी तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूरा कॉन्सेंट्रेट मेरे काम में है, आशिकी करने का टाइम कहाँ मिल रहा है, और मिलेगा भी तो कहाँ कर पाएंगे हम लोग, तो अभी काम करना है। तो लिट्टी चोखा में खेसारी जी हीरो थे, काजल राघवानी जी आपके साथ में थी जी, और आशिकी में खेसारी जी हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आशिकी में आम्रपाली जी हैं, सही बोल रहे हैं आप, काजल राघवानी जी लिट्टी चोखा में थी, एंड जो प्रोजेक्ट आ रहा है अभी सबका बाप अंगूठा छाप उसमें अक्षरा जी हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ की भोजपुरी की तीनों दिग्गज हीरोइंस हैं। और दिनेश जी के बारे क्या बोलना, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुना है उनके बारे और देखा भी उनका परफॉर्मेंस, इवन मेरी खुद की पर्सनल बताऊँ मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी फैन है। खेसारी जी के बारे क्या बोलना है, बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, तो मैं सच में बहुत ग्लैड हूँ कि मैं इन सबके साथ काम कर पा रही हूँ, और मेरी किस्मत है, मैं तो मतलब सोचा नहीं था कि कर पाऊंगी। किस्मत की बात की जाए तो खेसारी जी की आप फैन और आप मम्मी जी आपकी जुबली स्टार निरहुआ जी की फैन है जी, तो ये कॉम्बिनेशन और संजोग क्या कहना है इस पे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया खेसारी जी के लिए फिल्म के लिए, तो आई वॉज टोटली एक्साइटेड कि मतलब मैं करने जा रही हूँ खेसारी जी के साथ। सबसे पहली बात है तो फैन के तरीके से, ये नहीं कि मैं हीरोइन जा रही हूँ, तो वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर देखने मिला मम्मी को और मेरी फैमिली को और मेरे फ्रेंड्स को भी, और मम्मी वाली एक्साइटमेंट मुझे देखने के लिए मिली मुझे मम्मी को, जब मैंने बताया मम्मी ऐसे ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट साइन किया है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पापा भी थे तो पापा के सामने दिनेश जी हैं, क्या हाँ तो दिनेश जी ओके। तो कई बार क्या होता है ना, मम्मी का जो एक्साइटमेंट था, फेस का जो ग्लो था ना, बड़ा अच्छा लगा देख के। इवन होता क्या है ना कि मेरी मम्मी जब दिनेश जी की मूवी आती थी, तो दिनेश जी की मूवी देखते देखते मम्मी रोने लग जाती थी कई बार उनका, क्योंकि आपने देखा होगा दिनेश जी का कॉन्सेप्ट बहुत डिसेंट होता है, तो मम्मी रोने लग जाती थी, तो आई वॉज मम्मी मत करो रियल में नहीं, और वो रील में है, तो मम्मी कहते थे अरे मैं ऐसी बोल रही हूँ, तो ये चीज़ें होती थी। तो हीरो की बात हो गई, बात करें हीरोइन की, सब हीरो के साथ जोड़ी बनाते हैं, अब हीरोइन के साथ जोड़ी बना रहे हैं काजल जी, आम्रपाली जी, अब अक्षरा जी के साथ जोड़ी बनाना चाहेंगे, ये आपकी जोड़ी क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हीरोइंस के बारे आप बोले तो मैं जोड़ी तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मेरी सीनियर हीरोइंस हैं, आम्रपाली जी हो गई, अक्षरा जी हो गई, काजल जी, इनको मैंने देखा है काफ़ी टाइम से, और मैं बहुत जूनियर हूँ अपनी तीनों हीरोइन से, इवन बहुत सारी और भी हीरोइन हैं जिनसे मैं जूनियर हूँ, बट बहुत कुछ सीखने मिलता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ काम करूँ। तो तीनों हीरोइन से आदर्श आप किसको मानती हैं, किनको आप फॉलो करती हैं? तीनों हीरोइंस में से मैं भोजपुरी की बात करना चाहूँगी कि मैं भोजपुरी में आदर्श किसको मानती हूँ, रिंकू घोष जी को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका एक्सप्रेशंस, उनका इमोशन, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। मतलब आप बच के निकल गए क्या चाहते हैं आप, फंसा नहीं चाहते जी, तो इतना बड़ा मुकाम और सारी चीज मिले, तो फिल्म की जो प्रोड्यूसर है बाबा मोशन के ऑनर प्रदीप जी, एक अच्छे इंसान कहे जाते हैं, एक अच्छे फिल्म मेकर कहे जाते हैं, आप क्या कहती हैं उनके बारे में? प्रदीप सर के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे इंसान है प्रदीप सर, और आज उनके सपोर्ट और उनकी वाइफ के सपोर्ट से मैं फिल्म कर रही हूँ, और जो कि बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा फैमिली रिलेशन है घर से भी, और तो मेरा क्या है ना कि मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ इस बात के लिए
कि प्रदीप सर बहुत कॉपरेट करते हैं, पराग जी करते हैं, अनीता मैम करती हैं, उनके बारे में तो कॉपरेट भी होता है, और फिर मैं अगर नहीं कर पाती तो सर क्यों कॉपरेट करते हैं? मैं अपना जितना भी होता है मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है इवन जब मैं बाबा मोशन में काम करने आती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डे बाई डे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अपने सीनियर्स से, अपने प्रोड्यूसर से, अपने डायरेक्टर से, अपने को एक्टर्स से। तो डे बाई डे जब भी मैं यहाँ पे काम करने के लिए आती हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ, तो मेरा ना चैलेंज और बढ़ जाता है कि मतलब अभी यहाँ पे हूँ, गेस्ट अपीयरेंस किया था तो उसमें था कि नहीं भाई ये है, अभी ये कर रही हूँ तो इसमें है कि भाई चलो जितना हो सकता उतना, इवन देख रही हूँ आप पहले से कितना सिंगिंग से आप एक्ट्रेस बनी है सिंगर से, तो सिंगिंग के बाद फिर एक्ट्रेस बनने का जो आपका सफर रहा क्या कहना चाहेंगे? सिंगिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि सिंगिंग जब मैं कर रही थी, इवन आज भी कर रही हूँ, बट एक्चुअल में क्या है ना कि क्योंकि भोजपुरी में स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो जागरण्स वगैरह करती थी, जागरण्स करते करते फिर एल्बम गाने लगे, एल्बम गाते गाते फिर फिल्म आया, एक ऑफर आया, फिर फिल्म की, फिर उसके बाद हुआ कि कैसे करा जाए, तो फिर धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप माता रानी का आशीर्वाद, फैमिली का आशीर्वाद, व्यूअर्स का आशीर्वाद था कि मैं करने लगी, और अभी फिल्म ही ज़्यादातर कर रही हूँ, क्योंकि भोजपुरी में क्या है ना कि अगर आप सो कॉल्ड जो फालतू गाने होते हैं अगर आप गाते हो तो आप अच्छे हो, और अगर नहीं गाते हो तो फिर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आई थिंक सो मेरा मानना है। बट मैं अभी तक मैंने कोई भी गंदे गाने नहीं गाए हैं, मेरे गिने चुने जितने भी गाने आएंगे नीट एंड क्लीन रहे, और मैं गाऊंगी भी नहीं क्योंकि फैमिली भी देखेगी, कल को पापा भी देखेंगे कहेंगे क्या गा रही तू, होता है ना, तो फिर इस वजह से मेरा होता है। बट मैं गाती हूँ, अभी भी गा रही हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा ही गाऊँ, बट बर्गर मेरे से नहीं होता। आपका एक और अचीवमेंट है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने आपकी वॉइस को जो है पब्लिक के लिए यूज किया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो संयोग बना? राम जी उसके बारे में क्या बोलूँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था तो सबके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा था, यू नेवर नो कि कभी किसी के घर में राशन नहीं है, कभी किसी के घर में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। लॉकडाउन में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो रेंट पे रहते थे उनको, इवन जो मकान ऑनर होते थे वो भी उनको प्रेशराइज करने लगे थे, इवन मेरे खुद के आस पड़ोस की बात है जहाँ मैं रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने मिला। लेकिन जब मेरे पास कॉल आया, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, तो जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं उनका कॉल आया डॉक्टर वर्मा जी का पापा के पास कि श्रुति का ना मुझे वॉइस चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, जो मतलब लाइक जो मार्क्स वगैरह करते हैं, दो मीटर की दूरी ये सब करना, तो मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम स्टूडियो बंद था, सारी चीज़ें बंद थी, मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उनको दिया एंड अप्रिशिएट किया दिल्ली पुलिस ने, मुझे सर्टिफिकेट दिया एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे उसका पार्ट बनाया। क्या बोले थे आप, बोल के बताइए। सावधान दिल्ली वासियों, कोरोना वायरस ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे दूर रहने के लिए सैनिटाइज करें एंड दो मीटर दूरी अपना बनाए रखें, समथिंग दैट ही सब बोला था, भूल गई। तो चलते चलते गाना तो सुना दीजिए, गाना तो याद है। क्या सुनना चाहेंगे, भोजपुरी हिंदी? भोजपुरी, चूंकि हम भोजपुरी में हैं तो भोजपुरी में क्या, होली लोक गीत क्या सुना, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, ये मैं अच्छा सुना दूं। अभी होली का है, होली का माहौल है, होली का, होली का। एक मेरा गाना अभी मैं रिकॉर्ड करके आई हूँ, बट आई हैव नो आइडिया कि वो एक दो दिन में ही आने वाला है। उस गाने में है मनोज मतलबी जी ने उसको गाना दिया है, गाने का लिरिक्स है जाने जाई सामत में दुखवा बलैया, होलिका में दहन होई मुदई मुदैया, जाने जाई सामत में दुखवा बलैया, होलिका में दहन होई मुदई मुदैया, तोहर माइल छोड़ा दिए देवरो आवा अब तल लगा दिए देवरो आवा अब तल लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, थैंक यू।